अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबसे मुझे एक सवाल है, क्या आपने गौर किया कि 2022 का रमज़ान अभी अभी तो गुजरा था और 2023 का रमज़ान इतनी जल्दी आ गया? क्या आपके दिल में भी ये सवाल आया था? आप कमेंट करके इस बात का जवाब दे सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले शबे मेराज और शबे बारात होकर गई, उसके बाद आने वाला है रमजान और हम सब मुसलमान अब आने वाले रमजान का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये रमजान हमारा अच्छे से और इबादत के साथ में गुजर जाए। देखो दोस्तों, साल इतने में गुजर गया, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी 2022 की ईद हमने मनाई थी और आने वाले दिनों में फिलहाल 2023 के रमजान का हम इंतजार कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने 2022 में रमजान ईद मनाई थी और अभी कुछ ही दिनों के बाद में हम 2023 की रमजान ईद मनाएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, क्या आपने इस बात के ऊपर गौर किया कि वक्त जो है इतना तेज कैसे गुजर गया? ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है कि वक्त ऐसे गुजर जाएगा कि वक्त का पता ही ना चलेगा। वैसे तो काफी सारी कयामत की निशानियां जाहिर हो चुकी है, छोटी छोटी निशानियों से लेके कुछ बड़ी निशानियां भी कयामत की जाहिर हो चुकी है। जैसे कि अरब जैसे मुल्कों के अंदर घास का उगना, अरब जैसे मुल्कों के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होना, लोहे का आसमान में उड़ना, इन तरह की छोटी छोटी निशानियां जाहिर हो चुकी है और ये हम सब जानते हैं। और इस बात के ऊपर भी गौर कर लो कि कितनी जल्दी ये आने वाला रमजान आ गया। इस बात से यह जाहिर होता है कि वक्त की जो बरकत थी वो अल्लाह ताला ने उठा ली है और ये भी एक कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। आज आप सब देख रहे होंगे कि एक जुमा नहीं गुजरा कि दूसरा जुमा आ जाता है, एक महीना नहीं गुजरा कि दूसरा महीना आ जाता है। आज आप खुद गौर कर सकते हैं कि बिजली का बिल, दूध का बिल, वाईफाई का रिचार्ज, हमारे नेट का रिचार्ज, मोबाइल का रिचार्ज इतनी जल्दी आ जाता है। अभी परसों तो मैंने मेरे मोबाइल का रिचार्ज कराया हुआ था, फिर से ये मोबाइल का रिचार्ज का SMS आ गया। ऐसे कैसे हो सकता है? वक्त इतने तेजी से कैसे बढ़ रहा है और कैसे गुजर रहा है? क्या आप जानते हैं इस तेजी से वक्त गुजरने के बारे में हमारे प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बताया था। अल्लाह की कयामत के नजदीक नजदीक वक्त की बरकत को उठा लिया जाएगा। और आज मुसलमान बेफिक्र है, आज हम दुनिया की चीजों के अंदर लगे हुए है, आज हम दुनिया का ऐशो आराम हासिल करने के अंदर लगे हुए। आज मैं भी उनमें से हूँ, आप ही की तरह हूँ और दुनिया के पीछे मैं भी पड़ा हुआ हूँ। अल्लाह मुझे माफ कर दे और हम सबको माफ कर दे। लेकिन मेरे भाई, इसके ऊपर गौर करने जैसी बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हदीसों के अंदर जिक्र किया था। हम सबको इस बात के ऊपर गौर करने की जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है कि आने वाले दिनों के अंदर कयामत आने वाली है और वक्त की बरकत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बताई थी, उस हदीस के बारे में यह आता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत तब तक कायम नहीं होंगी जब तक के वक्त के आजजा बाहम एक दूसरे के करीब ना हो जाए। चुनांचे महीना एक हफ्ते की तरह, एक हफ्ता एक दिन की तरह और एक दिन एक साथ की तरह और एक साथ आग जलने की तरह होगा। एक साथ यानी कि जितनी देर माचिस के तीली से आग जलती है उतनी देर। और ये जो वक्त की बरकत का खत्म होना होगा वो गुनाहों की कसरत और गुनाहों की नहुसत से होगा। आज हम सब इस बात को बेहतर जानते हैं कि वक्त की बरकत खत्म हो चुकी है। हमने हमारे बाप दादा की जबान से, हमारे माँ दादी की जबान से ये सुना होगा कि हमारे वक्त के अंदर दोपहर जो होती थी वो इतनी बड़ी होती थी कि हमारे काम काज पूरे हो जाते थे और हमारी कैलुल्ला की नींद भी उसके अंदर पूरी हो जाती और फिर भी दोपहर का वक्त बच जाता और कितनी देर गुजर जाने के बाद में असर की अजान हो जाती। ये हम सब ने हमारे बाप दादा की ज़बानों से सुना होगा। आज देखो ना, वक्त इतना तेजी से गुजर रहा है कि हम जोहर के बाद में खाना खा ही लेते हैं और थोड़ी देर के लिए बैठ ही जाते हैं कि फौरन असर की अजान हो जाती है। और ये हम सब जानते हैं, फिर भी हम दुनिया की ऐशो आराम की तलाश में लगे हुए हैं और हम सब इसको इग्नोर करके चलते हैं कि वक्त है गुजर जाएगा। लेकिन ये बात हम नहीं जानते कि वक्त है गुजर तो जाएगा लेकिन ये वक्त दोबारा लौट के नहीं आएगा और ये इबादत करने का मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर जो बताया गया है कि महीना हफ्ते की तरह गुजरेगा और हफ्ता दिन की तरह गुजरेगा और दिन घंटे की तरह गुजरेगा, और आप देख सकते हैं कि इसी तरह से आज का महीना गुजर रहा है और महीना हफ्ते की तरह गुजर रहा है और हफ्ता दिन की तरह और दिन एक साथ की तरह। और इस बात से हमारा ईमान पक्का हो जाना चाहिए कि ये बात हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताई है, जो आज के दिनों में हो रही है। बुखारी शरीफ की एक हदीस में आता है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जमाना करीब हो जाएगा, अमल कम और कमजोर हो जाएंगे, बुक्ल पैदा हो जाएगा और फितने जाहिर हो जाएंगे और हजर की कसरत होगी। हजर मतलब की कत्ल। आप ये देख सकते हैं कि आए दिन व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, न्यूज
के अंदर ये खबरें आती रहती है कि फला ने फला का कत्ल कर दिया, फला ने फला को मार दिया, कि फला हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट हो गया और शख्स मारा गया। अब ये खबरें सुन सकते हैं आप, ये खबरें देख सकते हैं कि आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती और आती रहेंगी। और अगर आप सुबह का अखबार भी उठाकर देखेंगे तो उसके अंदर भी ये खबरें आम हो चुकी है। और जमाना तेजी से गुजरेगा, इसका मतलब है कि वक्त की बरकत को उठा लिया जाएगा और वक्त जो है तेजी से गुजरेगा। और इस बात को भी आप सोच रहे होंगे कि 2022 के अंदर हमने ईद मनाई थी और अभी 2023 की ईद मनाएंगे, वक्त कितना तेजी से गुजर गया ना। तो ये सोचने जैसी बात है कि वक्त इतना तेजी से गुजर रहा है, इसके ऊपर मुसलमान को गौर फिक्र करने की बात है। और आप सब में से ऐसा हर एक को लगा होगा कि अभी अभी तो रमजान मनाया था और फिर से रमजान आ गया, तो कब मेरे भाइयों बुजुर्गों, कब आप ये बात को समझोगे और गुजरने वाला वक्त लौट के ना आएगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, इस बात को आप कब समझेंगे कि ये जो गुजरने वाला वक्त है ये दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है, और अभी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, और अभी ये वक्त है कि अपने ईमान को मजबूत करने की मेहनत में लग जाओ, अपने अमाल के ऊपर, अपने दीन के ऊपर मजबूती से अमल करो और आखिरत की तैयारी में लग जाओ। क्योंकि डॉक्टर इसरार अहमद जो एक इस्लामिक स्कॉलर है, उनकी एक वीडियो के अंदर, उनके एक स्पीच के अंदर मैंने सुना कि आने वाले दिनों के अंदर यानी कि 21वीं सदी के अंदर हजरत इमाम मेहदी का जहूर होगा और वो इसी सदी के अंदर जाहिर हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। और आज देख सकते हैं आप कि हम जो है 21वीं सदी के अंदर जी रहे हैं। और इन जैसे छोटे छोटे प्रेडिक्शंस, छोटी छोटी बातें दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में डॉक्टर इसरार अहमद के चैनल के ऊपर काफी भरी पड़ी हुई थी, जो चैनल अभी डिलीट किया हुआ है। और ये डिलीट इसलिए किया गया ताकि मुसलमान तक ऐसी बातें ना पहुंचे और मुसलमान गफलत में ही जीता रहे। अभी वक्त है अपने रब की तरफ लौट आओ। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी आंखें जरूर खोल देगा, ये वीडियो आपके दोस्तों तक आप जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त।